सा चैप्टर चल रहा है, ठीक है, जो चैप्टर 9 है अपना सामाजिक राजनीतिक जीवन वाली जो बुक है, उसमें शहरी क्षेत्र में आजीविका हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। हम जो बुक के भीतर जो आपसे कुछ बातें पूछी गई है उसकी चर्चा करेंगे। इसमें बच्चों मैंने आपको एक उदाहरण दिया था एक रिक्शे वाले का, उसका नाम था बच्चू मांझी। वो जो है शहर में आया था गांव से, और वहां पे वो मिस्त्री का काम करता था, और यहाँ पर आकर के वो रिक्शा चला रहे। तो प्रश्न आता है कि बच्चू मांझी शहर क्यों आया? और वहां पे उसकी आमदनी इतनी नहीं थी, तो ज्यादा आमदनी के लिए वो शहर आया, और यहाँ पर आकर के वो अपने स्वयं का रिक्शा लेकर के वो अपना रोजगार वो करता है। ये अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि इसका परिवार तो दूसरे वहां पर रह रहे हैं, शहर में गांव में जहाँ वो काम करता था पहले। अगर वो सबको यहाँ ला कर रखता है तो उसके साथ घर की समस्या है, तो उसका परिवार वहां रह रहा है और ये अकेला यहाँ पर रह करके कमाई कर रहा है, और बीच बीच में अपने परिवार के पास मिलने के लिए चला जाता है, अपनी जो बचत कर लेता है उसमें वो मिलने चला जाता है। इसको एक दिन की छुट्टी लेने के लिए सोचना पड़ता है, सोचना पड़ेगा, क्योंकि दैनिक जो है रोजगार वाले व्यक्ति होते हैं जिनका रोजगार नियमित नहीं होता है, रोज ये अपने काम पे निकलते हैं और रोज कमाई करते हैं। अगर वो एक दिन भी नहीं जाते हैं अपने काम पर तो उनको नुकसान हो जाता है, उस दिन की उनकी कमाई नहीं होती है। जब ये कई दिन के कमाई करके अपना खर्चा निकाल के जब वो बचत कर लेते हैं तब वो अपने गांव में अपने परिवार से मिलने के लिए जाते हैं, जब अपनी बचत इकट्ठी कर लेते हैं। तो इसलिए वो एक दिन भी जो है काम पे ना जाना पड़े इसके लिए सोच भी नहीं सकते, क्योंकि फिर उनको उस दिन की कमाई नहीं होती। अब इसी चैप्टर में एक दुकान का जिक्र है कि वंदना हरप्रीत जो इन्होंने बड़ी दुकान शुरू की है ना। तो इन्होंने बड़ी दुकान शुरू क्योंकि इनको पता था कि जो छोटी छोटी दुकानें हैं उसमें अब वो पहले वाली बात नहीं रही। तो इन्होंने क्या है कि अपने जो कपड़े सिलने वाले जो वंदना है जो है ये यहाँ पर ड्रेसेस बनाया करती थी, सिलाई करती थी। उन्होंने देखा कि अब सिले सिलाए कपड़ों की इतनी ज्यादा डिमांड नहीं है, लोग अब क्या करते हैं बने बनाए कपड़े जो है वो रेडीमेड कपड़े लेते हैं। तो इन्होंने इसके लिए क्या किया, एक अपना बड़ा शोरूम लिया और उसमें इन्होंने वहां पर भी कपड़े सिलने शुरू किए, और बाहर से भी कपड़े मंगाते थे, विदेशों से कपड़े मंगाते थे, और यहाँ पे इन्होंने अपने जो है मॉल में शोरूम में जो अपनी कमाई कर रहे हैं उससे इनको बहुत सारी सुविधाएं भी मिली। इन्होंने अपने एक फ्लैट भी ले लिया है, बड़ी कार भी ले ली है, अभी चाह रहे हैं कि हम अपना खुद का भी एक बड़ी दुकान ले। तो ये इन्होंने यहाँ पर बड़ी दुकान शुरू की। फिर हम जब शहर में जाते हैं बच्चों तो हम देखते हैं बाजार होते हैं, बाजार में दुकानें होती हैं, और वहीं बाजार में सड़कों पर भी दुकानें होती हैं, दोनों में क्या फर्क है? ये जो शहर में बाजार में जो दुकानें होती हैं वो छोटी भी होती हैं बड़ी भी होती हैं, और जो हम देखते हैं सड़कों पे जो दुकानें होती हैं बच्चों वो अस्थायी दुकानें होती हैं, कच्ची दुकानें होती हैं, कहीं वो अपने गोबर प्लास्टिक का टेंट लगा करके या त्रिपाल लगा करके, ठीक है, कहीं किसी ने खंभे में कोई चीज़ टांग रखी है, कहीं किसी ने कोई छतरी खोल करके उसमें सामान रख रखा है, किसी ने कोई स्टूल में सामान जमा रखा, मेज पे सामान जमा रखा। तो ये सड़कों पर जो है ये अपना काम करते हैं। ये पक्की दुकानें होती हैं, ये कच्ची दुकानें होती हैं, ये स्थायी है और ये अस्थायी, क्योंकि इनके पास लाइसेंस होता है, इनके पास लाइसेंस नहीं होता तो कभी भी इनकी दुकान को पुलिस हटा देती है कि आपने कब्जा कर रखा है, और इनको वहां से हटना पड़ता है। और यहाँ पर फिर क्या होता है कि इनकी दुकान जो है वापस जमने में इनको काफी मुश्किलें हो जाती हैं। और बाजार में तो क्या बड़ी दुकानें भी होती हैं, तो कई बार वो अपने साथ दो तीन लोगों को आपने देखा होगा, जैसे वाले जिसकी कपड़े की दुकान में जाते हैं तो मालिक तो होता ही है, साथ में दो तीन असिस्टेंट होते हैं जो हमको कपड़े दिखाते हैं। जबकि ये जो सड़कों में दुकान होती है ये तो खुद की होती है, इनके ज्यादा लोग तो होते नहीं है, या तो ये मालिक जो है वो है उनके परिवार के ये सदस्य जो है वो मिलजुल करके और इस तरह से काम करते हैं। ये तो होगी बाजार और सड़क की। और फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते हैं ये नियमित नहीं है, ये भी अनियमित मजदूर होते हैं, क्योंकि इनकी कोई बंदी बंधाई, अगर हम छोटी मोटी कंपनियों की बात करते हैं, फैक्ट्रियों की बात करते हैं, बड़ी कंपनियों में तो चले फिर भी हम देख सकते हैं कि उनके कई बार कुछ पोस्ट में पक्की नौकरी हो सकती है, पर एक सामान्य बात करें तो इनके सारे लाभ जो होते हैं मिल मालिक को हो जाते हैं लाभ, फैक्ट्री मालिक को, क्योंकि क्या होता है कि जब ज्यादा काम होता है
विशेष मौसम में जब काम ज्यादा होता है तो ये क्या करते हैं, अधिक से अधिक लोगों को कार्य में लगा लेते हैं। और जब वो कार्य पूरा हो जाता है इनका, जब उस कार्य की आवश्यकता नहीं है, डिमांड नहीं है उस चीज की, तो वो उनको कभी भी हटा सकते हैं। तो इनका रोजगार कभी भी नियमित नहीं होता, इनको कभी भी काम से हटाया जा सकता है। इनके काम के घंटे भी जो होते हैं वो जो तय नहीं होते, अधिक काम लेते हैं इनसे, बहुत ज्यादा इनसे काम ले लेते हैं, बस सुबह से लेकर के रात तक, और कहीं कहीं तो देर रात तक भी काम करते हैं, तो कहीं तो उनको अतिरिक्त पैसा मिल जाता है और कहीं अतिरिक्त पैसा भी नहीं मिलता, उनका शोषण किया जाता है। तो कहीं कहीं कमाई तो होती है इनको, कई बार लोग ज्यादा कमाई के लिए अतिरिक्त भी काम करते हैं, अगर उनको वहां पे अतिरिक्त काम करने का पैसा मिलता है। और सुविधाएं ना के बराबर, बहुत कम फैक्ट्री मालिक है जो अपने मजदूरों को सुविधाएं देते हैं, तो उनको सुविधाएं नहीं मिलती है। फिर हम यहाँ बात करते हैं कि जो घरों में हम देखते हैं काम करने वाले जो आती हैं, वो भी किस श्रेणी में आती है, नियमित है या अनियमित है। घरों में आपने कहा किसी घर में खाना बनाने वाले, किसी में कहीं दूसरे काम करने वाले, साफ सफाई करने वाले लोग जो आते हैं, तो वो नियमित नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको भी कभी भी हटाया जा सकता है, और इनके कार्य के घंटे भी इनके ज्यादा होते हैं। और इसके अलावा जो है, इनको खुद को अपने घर को भी संभालना पड़ता है, घर का काम उनका खुद का भी होता है, और दूसरे के घरों में भी काम करते हैं, तो कई बार इनका जो है स्वास्थ्य भी जो इतना अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि इनको आराम तो मिलता नहीं है, इनके कार्य घंटे बहुत ज्यादा होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको कभी भी हटाया जा सकता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बच्चों, ये जब हमने इस चैप्टर में जिन जिन लोगों के बारे में पढ़ा, ठीक है, उनके हम इससे भी देख रहे हैं। जैसे हम ये देखते हैं, ये तो है पॉइंट्स, काम की जगह, आय, सुरक्षा, सुविधा और स्वयं का रोजगार, स्वयं या रोजगार, ये ऐसे हमने कॉलम बनाया हुआ, इसमें हम इनकी स्थिति देखेंगे। अभी जो हमने रिक्शे वाले की बात की थी बच्चों के, ठीक है, तो इसकी काम की जगह कहाँ पर है, सड़क में, क्योंकि सड़क पे ही क्या करता है, रिक्शा चलाता है। फिर इसकी आय क्या है ना, इसको हो सकता है रोजाना 100 रुपये मिले, कभी ज्यादा कमाई हो तो 150 रुपये मिल जाए। सुरक्षा क्या है इसके, कोई सुरक्षा नहीं है, अगर एक भी दिन अगर वो नहीं जाता है काम पर, ठीक है, या कोई इसको दुर्घटना हो जाती है, कुछ जाता है, तो उसको कोई भी चिकित्सा नहीं है। सुविधाएं इसको कोई भी नहीं मिलती है, ठीक है, क्योंकि इसका खुद का अपना जो है रोजगार है, उसको कोई कहीं जाना नहीं पड़ता, तो इसके खुद की कोई भी सुविधा नहीं है। अब यहाँ ने पूछा कैटेगरी, स्वयं है कर रहा है काम या रोजगार है, इसके पास कहीं और कहीं काम कर रहा है, इसके पास स्वयं का रोजगार है। फिर हम बात करते हैं, अभी जब मैं शोरूम की बात की थी वंदना हरप्रीत की, तो इनके काम की जगह क्या है, इनका शोरूम है, आय क्या है इनकी, अच्छी है, इनकम इनकी अच्छी हो जाती है। सुरक्षा, हाँ है सुरक्षा है, क्योंकि कमाई ज्यादा है तो इनकी सुरक्षा भी है। सुविधाएं, हाँ है, इनका घर है, इनकी कार है, इनका जो है एक बड़ा जो है शोरूम लेने का भी है, बड़े घर लेने की भी है स्थिति, तो ये इनको सुविधाएं है। और स्वयं का है रोजगार इनका, तो इनका जो है स्वयं का शोरूम, खुद का जो है इनका शोरूम है। फिर आते हैं जो एक निर्मला थी, फैक्ट्री में काम करती थी, उसकी स्थिति अगर हम देखें तो उसकी काम की जगह क्या है, फैक्ट्री है। आय बहुत अच्छी नहीं है इसकी, अगर अतिरिक्त काम करती है तो इसकी अच्छी आय हो जाती है। सुरक्षा जो है इसकी नहीं है, कभी कभार अगर मालिक अच्छे होते हैं तो वो सुरक्षा दे देते हैं, चिकित्सा कभी कभार करवा देते हैं, वैसे सुरक्षा नहीं है। सुविधाएं भी इनको कोई भी नहीं होती, इनको कभी भी काम से निकाला जा सकता है, और इनको कोई विशेष लाभ भी नहीं दिए जाते। और रोजगार में क्या, स्वयं का नहीं है रोजगार, कर रहे हैं मतलब कहीं पर ये नौकरी कर रहे हैं। फिर बात आती है इस चैप्टर में जो एक महिला है जो फैक्ट्री के अलावा जो एक उसने बड़ी कंपनी में काम करती है सुधा, उसका कार्यस्थल क्या है, कंपनी है, इसकी आय कितनी, बहुत अच्छी है, 30,000 है, उससे अधिक भी हो जाती है इसको, ठीक है। सुविधाएं सुरक्षा है इनके, सुविधाएं क्या है, इसकी बचत अच्छी हो जाती है, इसके अलावा इसकी जो है कंपनी की तरफ से इसके लिए भविष्य निधि मतलब तनख्वाह के साथ साथ भविष्य निधि भी इसको मिलती है, बीमा भी इनका होता है, छुट्टियां भी इनको मिल जाती है, इसके अलावा इनको चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं। और ये क्या कर रहे हैं, स्वयं का है या रोजगार है, ये अपना रोजगार कर रहे हैं किसी बड़ी कंपनी में, तो ये स्थिति बच्चे हमने यहाँ पर देखी। तो ये यहाँ पे पॉइंट्स थे, इनके आधार पे हमने इन जो इस चैप्टर में जो लोग हैं इनकी स्थिति को समझा।